खबर उत्तर प्रदेश कानपुर से। कानपुर हनुमान विहार थाना क्षेत्र के आशानगर निवासी कारपेंटर को उसके पिता ने ही मौत के घाट उतारा था। संपत्ति के विवाद में हत्यारोपी ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक हत्यारोपी काफी समय से घटना को अंजाम देने की फिराक में था। मूल रूप से बिल्लौर राधन गांव निवासी राकेश विश्वकर्मा के बड़े बेटे सुभाष विश्वकर्मा व उसकी पत्नी नंद कुमारी के साथ आशानगर में रहते हैं, जबकि उसके दो बेटे नीरज व सुधीर घर से कुछ ही दूरी पर ही किराए के मकान में रहते हैं। बीती 16 मार्च को नंद कुमारी अपने बच्चों अंकित व खुशबू के साथ फतेहपुर जहानाबाद स्थित पनरुआ गांव स्थित मायके गई हुई। बुधवार रात राकेश व सुभाष छत पर सोने गए थे, बारिश होने पर नीचे आ गए। राकेश ने बताया था कि बारिश बंद होने के बाद वह दोबारा छत पर सोने चला गया था, जबकि बेटा नीचे कमरे में सो रहा था। गुरुवार सुबह वह नीचे आए तो कमरे में बेटे का खून से सना शव पड़ा हुआ था। राकेश की सूचना पर पड़ोसियों ने डायल 112 पर घटना की सूचना दी थी। मृतक की पत्नी ने ससुर राकेश व देवर नीरज व सुधीर पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर शव को पशुआटम हाउस भिजवाया था। पुलिस ने हत्यारोपी से कड़ाई से पूछताछ की तो राकेश टूट गया। राकेश के मुताबिक वह मकान बेचना चाहता था, लेकिन सुभाष विरोध करता था, जिस कारण उसका कई बार बेटे से विवाद हो चुका था। वह काफी दिनों से बेटे की हत्या की योजना बना रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। बहू के मायके जाने के बाद उसने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। पिता ने ही घटना को अंजाम दिया है। मृतक के भाइयों की घटनाक्रम में अब तक कोई संलिप्तता नहीं मिली है। वहीं शुक्रवार को सुभाष का बैरो घाट में अंतिम संस्कार हुआ। दिनांक 20/6/2024 को सवेरे लगभग 7:15 बजे थाना हनुमंत विहार को एक मर्डर की सूचना मिली थी। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी और मैं स्वयं और बाकी सभी अधिकारीगण, फील्ड यूनिट की टीम, हमारी डॉग स्क्वाड की टीम, सभी लोग मौके पर गए थे। जो घटनास्थल था वो मृतक का स्वयं का घर ही था, और उस घर में जिस रात ये घटना हुई थी उनके पिताजी और वो दोनों लोग थे, उनके अलावे और कोई व्यक्ति नहीं था। जो घटनास्थल का बारीकी से मुआयना मेरे द्वारा किया गया, फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीम के द्वारा भी घटनास्थल का काफ़ी बारीकी से मुआयना किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा जो है घटनास्थल का फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जो है बारीकी से की गई। डॉग स्क्वाड के द्वारा भी उसमें मदद ली गई थी। बड्डी का पंचनामा करने के बाद में जो पीएम रिपोर्ट आई है, पीएम रिपोर्ट में जो लेसरेटेड वुंड आई है, जो कि हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से होता है जनरली, और जब हम लोगों ने इनकी पत्नी को सूचना दिया, जो मृतक है उनकी पत्नी के सूचना जब उनको मिली वो मौके पे आया, क्योंकि उस दिन वो अपने मायके में थे, यहाँ पे नहीं थी पत्नी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई, इस तहरीर के आधार पे जो उसमें कंटेंट था, उस कंटेंट के आधार पे थाना हनुमंत विहार पर 302 IPC का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें तीन लोग नामजद कराए गए। जो तीन लोग जो नामजद है, जो मृतक है उनके पिता और दो सगे भाई हैं, तीन लोग नामजद थे। जब हमारे पास फील्ड यूनिट की टीम और जो फोरेंसिक टीम की यूनिट के द्वारा जो मौका मुआयना किया गया था और जो चीज़ें वहाँ पे देखी गई, जो पीएम रिपोर्ट आई और जो टेक्निकल चीज़ें हमारे पास जो सर्विलांस के माध्यम से CDR के माध्यम से जुड़ाई, उसके आधार पर जब हमने इनसे पूछताछ करी तो इनके द्वारा जो एक्यूज है इसमें राकेश विश्वकर्मा जो मृतक के पिता हैं, घटना को कबूल किया गया। इनके द्वारा ही घटना को कायम की गई है। ये उस रात्रि को ये छत पे सो रहे थे, जब बारिश हुई थी दोनों पिता पुत्र अंदर आ गए अपने घर में, ये बाहर सो रहे थे और जो इनका पुत्र था घर के अंदर सो रहा था। ये जो लकड़ी का फंटा है, इस फंटे से जो है अपने सोए हुए पुत्र के ऊपर जो है 4-5 बार लगातार वार किया, जिससे वो उनकी मृत्यु जो है तत्काल जो है घटनास्थल पर ही खारिज हो गई। उनके छींटे जो आसपास में पाए गए थे, इस डंडे पे भी खून के छींटे पाए गए, तो उसको भी हमारे जो टेक्निकल फील्ड यूनिट की टीम है उसके द्वारा वहाँ से इसको बरामद किया गया। और इन्होंने जो उस रात को जो बनियान पहना था वहाँ पे भी ब्लड स्टेन पाए गए, उसकी भी पुष्टि हुई है। और जहाँ पे इन्होंने धोया था किचन में वहाँ पे भी ब्लड स्टेन पाए गए। इस तरीके से टेक्निकल एविडेंस हमने कलेक्ट कर लिया है। इसी जो आला कत्ल है, यही जो आप जो डंडा देख रहे हैं, आला कत्ल है। इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पहले जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर विवाद था, और इनको ऐसा लग रहा था कि इनकी पत्नी की मृत्यु जो है मार्च 2024 में हुई है, और इनकी पत्नी की मृत्यु में जो है कुछ इनको ऐसा लग रहा था कि किसी जादू टोना करके इनकी बहू के द्वारा इनकी पत्नी को मार देगी, जिस बात को एक फुनस रखते थे और कई दिनों से इस फिराक में थे, योजना बना रहे थे इनको मारने का, लेकिन इन्हें समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन उस दिन वो दोनों लोग अकेले थे, इनकी पत्नी और इनके जो बच्चे थे वो अपने मायके चले गए थे। उस दिन इन्होंने इस मौके को फ़ायदा उठाकर अपने बच्चे की हत्या कर दी।
इसमें दो जो नामजद अन्य अभियुक्त है जो इनके सगे भाई हैं, अभी तक जो हमारी जांच है उसमें उनका कोई विशेष रूप प्रकाश में नहीं आया है। अभी भी विवेचना हमारी जारी है। अगर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर ऐसी कोई चीज़ें आती हैं उसके आधार पर हम इसमें आगे भी कार्रवाई जारी रखें। कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।